रीवा जिले के तेउथर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी रमा शंकर सिंह पटेल ने आज रीवा पहुंचकर नामांकन किया दाखिल। सैकड़ों समर्थकों के बीच रमा शंकर सिंह पटेल तेउथर से पहुंचे रीवा। इस दौरान मीडिया के सवालों पर रमा शंकर सिंह पटेल ने तेउथर विधानसभा के मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ क्षेत्र में कई विकास कार्यों को सम्पन्न कराने को लेकर कही बात। बता दें कि रमा शंकर सिंह पटेल कांग्रेस पार्टी से दो बार चुनाव लड़ चुके हैं, परंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई है और कांग्रेस पार्टी की ओर तीसरी बार भरोसा जताते हुए विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है तेउथर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फिर से, और मुद्दे तो बहुत हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोग मैदान में हैं, डटे हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जो विश्वास किया है मुझ पर, उस विश्वास पर हम अपनी टीम के साथ खड़े उतरेंगे, ये हमारा प्रयास होगा। सरकार के बाद भाजपा कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की है, कितना घाटा हुआ कांग्रेस? बात पुरानी हो गई है, अब मेन मुद्दा है स्थानीय और बाहरी का। सिद्धार्थ तिवारी जी को जनता ही जवाब देगी, और वहाँ लड़ाई भाजपा से हमारी नहीं है, वहाँ लड़ाई हमारी विचारधारा की है, नीत और नियत की है। उसमें कहीं ना कहीं भाजपा को, जो भी राजनीतिक दल है कांग्रेस, उनको परास्त करेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। कांग्रेस या भाजपा की बात करें तो दोनों ही दल इस समय इस्तीफों और दल बदल का दौर जारी है, कितना असर पड़ेगा चुनाव पर चावल? ये लोकतंत्र में सुधार की प्रक्रिया चलती है जो इस देश के अंदर लगातार चल रही है, खासतौर से जब से भाजपा आई है इस देश के अंदर, केंद्र में और राज्य में सरकार में आई है, तब से ये दौर कुछ ज़्यादा शुरू हो गया है इस तरीके से। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले समय में सब चीज़ें सही हो जाएंगी, और लोग जो ये दुस्साहस करते हैं, ये ऐसा क्रम इसमें विराम लगेगा, ये मेरा ऐसा मानना है। क्षेत्र में अभी क्या अधूरा विकास दिखता आपको? जैसा मैंने कहा कि तेउथर क्षेत्र जो है, हम तराई अंचल है, रीवा जिले का सबसे कृषि प्रधान कृषि के क्षेत्र में अव्वल दर्जे पर है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर दूध उत्पादन होता है जिले का, लेकिन वहाँ अवसर नहीं मिला, न तो नौजवानों को मिला, न किसानों को मिला, न मजदूरों के उनके वास्तविक श्रम का मूल्य मिलता है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर आप जीतते हैं और प्रदेश में आपकी सरकार बनती है, तो पहला काम आप क्या करेंगे तेउथर क्षेत्र के लिए? देखिए, मेरा प्रयास होगा कि जो हमारे यहाँ जीवनदानी योजना है, मिनी बाढ़ सागर, जिसको तेउथर फ्लो कहते हैं, पिछले 12 साल से वो योजना चल रही, लंबित है, अभी भी पानी अब छोड़ा जाता है तो नहरें फूट जाती हैं। मेरा पहला प्रयास होगा किसानों को पानी मिले, और ये जो बाढ़ सागर का पानी है, किसानों हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर में पानी पहुँचे। दूसरा, स्वास्थ्य को लेकर हमारा प्रयास होगा कि जो 100 बिस्तर का अस्पताल पिछले 25 साल से लंबित है, उसको पहली प्राथमिकता होगी बनवाने के लिए। और तीसरा होगा कि जो हमारे नौजवान साथी हैं, उनके समुचित शिक्षा की व्यवस्था, बालिका जो हमारे हैं उनके लिए महाविद्यालय की व्यवस्था, उनके लिए हर सेकेंडरी स्कूल की व्यवस्था जनसंख्या के अनुसार, और 100 बिस्तर अस्पताल जो था, पहले मंजूर था, उसको आने वाले समय में 100 बिस्तर से ज़्यादा मापदंड, जो जनसंख्या के हिसाब जो चीज़ फिट बैठेंगी, उसको बनवाने का हमारा प्रयास होगा। ऐरा प्रथा बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेके क्या करेंगे क्षेत्र में? देखिए, ऐरा प्रथा निश्चित तौर पर बड़ी समस्या, हमारे कमलनाथ जी ने अपने 15 महीने की सरकार में अपनी नियत का परिचय उन्होंने दिया था। गौशालों का निर्माण कराया, सरकार जैसे हमारी गिरा दी गई, तो गौशालों का निर्माण का सब बंद हो गया। आज भी आप जाएंगे, देखेंगे तो जो भी गौवें हैं गौशाला के अंदर, मरी पड़ी हैं या मरने की कगार में, तो उसके लिए जानवर हैं, जीव हैं, और उन पर हम सबको दया करनी चाहिए। हमारा पशुधन है, जैसा हम सब लोग कहते हैं, उनके समुचित रहने की व्यवस्था, उनके पानी की व्यवस्था, उनके खाद्यान्न की व्यवस्था, ये हमारा प्रयास होगा, उनका जीवन संरक्षित करते हुए। वो हमारे जो कि मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं, इस पर वो भी हमारी प्रायोरिटी होगा। जैसा कमलनाथ जी ने कहा है, आप लोगों को जानकारी में होगा कि 2 रुपये किलो गोबर खरीदने की बात उन्होंने कही है, तो जब हमारे लिए वो एक तरीके से धन हो जाएगा और हम उसके संरक्षण के लिए हमको ज़रूरत भी है, तो बेहतर काम सरकार हमारी करेगी। हमारे